कमलेश किचन को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, कमलेश किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बहुत ही फेमस पानीपुरी। आटे की पानीपुरी बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और हमेशा हमारा दिल करता है पानीपुरी खाने का। जब भी पानीपुरी का नाम लेते हैं मुँह में पानी आ जाता है। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से आटे की पानीपुरी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से बनाते हैं पानीपुरी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। हम बनाएंगे आटे से, गेहूं के आटे से पानीपुरी बनाएंगे। तो ये एक कटोरी मैंने, ये देखो, एकदम से ऐसे बिल्कुल मिलाकर एक कटोरी आटा ले लिया है गेहूं का। तो आप कोई भी अगर मेजरमेंट करते हैं तो एक कटोरी से करें। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। और उसके बाद ये चमचा होता है जो अपना घर में सब्जी वाला चमचा होता है आमतौर पर, इस तरह से ये जो चमचा होता है ये, तो आप इस चमचे से मेजरमेंट कर लें या फिर एक चम्मच होती है ये जो टीस्पून होती है हमेशा हम जो अपने घर में खाने में यूज करते हैं इस वाली से। अगर आप चम्मच से लेंगे तो चार चम्मच आपको सूजी और चार चम्मच आपको मैदा लेना होगा। अगर आप चमचे से लेंगे तो चमचे से आपको एक चमचा सूजी और एक चमचा मैदा लेना पड़ेगा। और यहाँ पर एक कटोरी आटा, तो कटोरी का आटे का अगर मेजरमेंट आप इस चमचे से करें तो यहाँ ढाई चमचा आटा है। तो हम यहाँ पर एक कटोरी मैं आपको बता देती हूँ, तो चम्मच के हिसाब से ही मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, एक चम्मच ऊपर तक नहीं भरनी है, नॉर्मली भरनी है हमने, दो और तीन चार चम्मच, ये चार चम्मच हमारा पूरा चमचा भर जाएगा। तो इसी का मेजरमेंट लेना हमने सूजी का, तो सूजी का भी हमने इसी तरह से लेना है, एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच और चार चम्मच। और आप चमचे से लगाओगे तो चमचे से भी उतना ही बैठेगा, ये एक चमचा दोनों का। तो हम अंदाजे से इसी तरह से हमने जो आटे के गोलगप्पे बनाते हैं उसमें सूजी और मैदा ज़रूर पड़ता है, तभी हमारी जो पानीपुरी है वो पूरी टाइप में नहीं बनती। हमेशा शिकायत क्या आती है कि हम पानीपुरी बनाते हैं कि पानीपुरी जब हम बनाते हैं उस टाइम तो बिल्कुल करारी होती है और थोड़ी देर उसको रख देते हैं तो वो मतलब पूरी की तरह बन जाती है। तो हमेशा ये शिकायत लोगों में बनी रहती है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल ये शिकायत नहीं बनेगी। और मेरी वीडियो लास्ट तक देखना, इसमें कुछ टिप्स भी हैं जो मैं आपको बताऊँगी जिससे हमारी पानीपुरी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को हम मिला लेंगे और हम इस आटे को पानी से लगाएंगे। तो हम आटे को पानी की सहायता से हम इसको आटा लगाएंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आटे को लगाएंगे। आटा हमने टाइट लगाना है और अब हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना, ना हमने इसमें तेल डालना है, ना इसमें हमने सोडा या बेकिंग सोडा कुछ नहीं डालना। सिर्फ ये पानी से हमने आटा गूंदना है और यहाँ पर हमने एकदम से सख्त डो इसका तैयार करना है। ये देखिए, मैं वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको मैं आंखों के सामने आटा लगा के दिखाती हूँ, तो मुझे वीडियो स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी का हम छींटे मारते हुए आटा लगाएंगे। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ एक गिलास पानी लिया, तो हमारा आधा गिलास में ही आटा लग के तैयार हो चुका है। और इसको हम अच्छे से मसल लेंगे जिससे ये आटा है हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखिए, हमने सख्त डो तैयार किया है क्योंकि हमें जो पानी पूरी के लिए टाइट डो ही तैयार करना है। अगर हमने नरम डो तैयार किया तो हमारी पानी पूरी नहीं अच्छी बनेंगी। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा ये डो आपको मैं दिखा देती हूँ, एकदम से इस तरह से टाइट है बहुत। तो इसी हिसाब से हमने डो तैयार करना है और इसको अच्छे से मसल लेंगे। और इसे हम ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, हम इसको ढक के रख देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। अच्छे से हमने एक कपड़े से अच्छे से इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम ये चटनी जो ये गोलगप्पे के पानीपुरी का जो पानी होता है उसको बनाने के लिए यहाँ पर धनिया और मैंने हरी मिर्च, ये देखिए
अच्छे से धो के ले लिया है ये धनिया, और इसको हम अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। तो हमारे यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी चटनी भी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए चटनी भी मेरी तैयार है। तो यहाँ पर मैंने ये हरी वाली चटनी हमने तैयार कर ली है, और इसमें हमने बस खट्टा डालना हमारा रह गया है। अगर आप चाहें तो इसी टाइम इमली डालकर पीस सकते हैं, तो बट हमारे पास इमली नहीं है, हम सात्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हरी चटनी के लिए तैयार है, हरे पानी के लिए। और मीठे पानी के लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो बताई थी, उसमें इमली की मीठी जो चटनी बनती है ना, तो उसी से पानी बनता है, तो उसी से आप मीठा पानी तैयार कर लें। मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो बताई थी, तो उसमें मीठे पानी की जिक्र किया था, तो उस तरह से कर लें। यहाँ पर 10 से 15 मिनट मुझे हो चुके हैं, तो इसको हम आटे को निकाल लेंगे और अच्छे से इसको फिर से मल लेंगे। तो आप प्लेटफॉर्म पर या फिर आप कोई भी ऐसे चकला हो या चकले पे अच्छे से थोड़ा सा तेल लगा के और इसको मसल लें। आप देखते हैं ना कितना टाइट आटा है, ये देखिए टाइट है ना आटा। तो इस तरह से हमारा आटा ये टाइट है, तो इसे हम इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे, और इसको यहाँ पर हम 1-2 मिनट के लिए मसलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा आटा एकदम से चिकना हो चुका है, और एकदम से थोड़ा सॉफ्ट भी हो चुका है उसके मुकाबले। तो हम इस आटे को एक तरफ रख देंगे, और सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो बताती हूँ मैं। सबसे पहले हमने क्या करना, 2 टावल लेने हैं, ये किचन टावल है हमारे दोनों। मैंने दोनों ये इनको गीला करके अच्छे से इसको निचोड़ लिया है, पानी सुखा लिया है इसका। अच्छे से निचोड़ कर हम इसको पहले एक स्लैब पर ऐसे बिछा देंगे, ठीक है। और ये दूसरा हमें जो हम बनाएंगे पानी पूरी बनाएंगे उसको ऊपर ढकने के लिए काम आएगा, क्योंकि हम जो पानी पूरी बनाते हैं वो सूख जाती हैं। तो हमने सबसे पहले एक टावल हमने बिछा दिया, अब हम बनाएंगे पानी पूरी। ये पानी पूरी बनाने के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने इसके 2 पीस कर लिए हैं, एक को हम ढक के रख देंगे अच्छे से। तो इस कपड़े से हमने इसको ढक के रख देंगे आटे को। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल लगाने के बाद इसमें इसको लंबा लंबा इस तरह से, हमने इसको लंबा लंबा इस तरह से रोल कर लेना है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने रोल कर लिया इसको। अब इसको हम काटेंगे, तो इसको हमने कैसे काटना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए ना, एक कंचे का साइज बनाना है हमें, और यहाँ पर हमने आधे आधे इंच के हिसाब से इसकी गोलियाँ काट लेनी है। ज़्यादा मोटी नहीं काटनी, नहीं तो हमारे जो ये पानी पूरी है मोटे ज़्यादा हो जाएंगे, और वो अच्छे से फूलेंगे भी नहीं, और मतलब करारे भी नहीं बनेंगे। इस तरह से हमने सारी गोलियाँ काट लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर सारी हमारी कट चुकी हैं, अब इनमें हम क्या करना है, ये जो हमारी गोलियाँ हैं इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे तेल। तो तेल हम थोड़ा सा यहाँ इसमें डाल देंगे इस तरह से, और तेल डालने के बाद अच्छे से हम इसको इस तरह से कर लें जैसे चिपके ना। और अब हमने इसको हाथ से इसके रोल बनाने इस तरह से, ये देखिए ये रोल ना इस तरह से रोल बनाने हैं हमने गोले, ये देखिए। तो इसी तरह से अब हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास आटा काफ़ी सारा है और टाइम इतना है नहीं है, तो एक ही हाथ में दोनों रोल रखेंगे और थोड़ा दूरी दूरी पर रखेंगे, जैसे एक यहाँ पर, और इसको अच्छे से घुमा देंगे। ये देखिए बन गए ना दोनों इस तरह से, आप 3 भी रख सकते हैं, जैसे एक इधर रख लिया, एक इधर रख लिया, एक इधर रख लिया, और तीनों को भी ऐसे ऐसे हम रोल कर देंगे, तो हमारे ये भी रोल तैयार हो जाएंगे। एक गिर गया था, 2 बचे हैं, ये लीजिए। मैं फिर से ट्राई करती हूँ, थोड़ा सा दूर दूरी पर रखेंगे और फिर इसको घुमाएंगे इस तरह से। तो लीजिए हमारे ये तीनों रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें नीचे भी रख सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर रखे हुए हैं, और इनको हाथ से इस तरह से घुमाते हुए थोड़ा दूरी दूरी पर घुमाएंगे, जिससे हमारे रोल बन जाएं। क्योंकि जिसको प्रैक्टिस होती है वो तो अच्छे से बना लेते हैं, जिसको प्रैक्टिस नहीं होती वो नहीं बना पाते। ये देखिए गोलियाँ हमारी बनकर तैयार हुई हैं, और हाथ से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, तो हाथ से कर लें। ये 2-2 गोलियाँ कर लें, थोड़ा दूरी पर रखेंगे तो चिपकेंगी नहीं। इस तरह से हमने 2-2 गोलियाँ कर ली हैं, और हम ऐसे करके सारी बना लेंगे। तो लीजिए सारी गोलियाँ हमारी तैयार है,
और फिर से मैं इसमें तेल का हाथ लगा दूंगी जिससे ये हमारी सूखे ना। और मैं इसे इसी में जो हमारा आटा रखा है ना इसी में एक तरफ रख दूंगी मैं और दो चार डाल लूंगी बस और इसे ढक दूंगी। और अब हम इनको बेलेंगे इधर। तो हमने यहाँ सबसे पहले बेलनी, ये जो हमारी छोटी बेलनी है, वैसे तो ये गोलगप्पे जो पानी पूरी है इसको बनाने के लिए अलग से बेलनी आती है, लेकिन हम ये रोटी वाली से ही बना लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा तेल लगा लिया है मैंने, थोड़ा नीचे भी तेल लगा लिया है। और इसको हम इस तरह से प्रेस देते हुए ऐसे बनाएंगे और फिर एक बार इस तरह से प्रेस करेंगे। ये लीजिए पानी पूरी तैयार है। और इसको हम इसी गीले कपड़े के ऊपर रखते जाएंगे ऐसे। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये लीजिए। अभी मैं दो चार बना देती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी इनको रखना कैसे है। ऐसे करके प्रेस किया, लंबा हुआ, फिर आड़ा रखा और ऐसे प्रेस मार दिया तो यहाँ ये गोल हो गया। ठीक है, फिर एक और रखती हूँ, एक से प्रेस मारेंगे ऐसे करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। और फिर इसी को निकाल के हम यहाँ रखेंगे और इसको फिर से प्रेस करेंगे तो ये गोल हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से बनाने। अब मैं आपको बताती हूँ इसको रखना कैसा है। तो यहाँ पर हमने गीला कपड़ा बिछा दिया है तो इसके ऊपर हम ये पानी पूरी इस तरह से रखते जाएंगे, सारी बनाते जाएंगे साथ में, इस तरह से इनको रखते जाएंगे। और फिर उस पर रख देंगे कपड़ा। तो इस तरह से हमने एक कपड़ा रख दिया है और जैसे जैसे हमारी पूरी पानी पूरी बनती रहेंगी हम कपड़े को इस तरह से लंबा बढ़ाते रहेंगे। तब तक हमने इसको थोड़ा सा ऐसे तय करके इस तरह से इस पर रख दिया है और सारी पानी पूरी बना के हम ऐसे ही रखते जाएंगे। अगर आपको देखने में लग रहा है कि चिपकेंगी थोड़ी सी तो आप इसमें थोड़ा तेल भी लगा सकते हैं ना, तेल से ही चिपकेगी नहीं और अच्छी पानी पूरी बन के तैयार होगी। ये देखिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है हमें, इसे ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए है ना एकदम से पतली, ज़्यादा मोटी नहीं है। तो हमने ज़्यादा मोटी पानी पूरी नहीं बनानी है। और हमने ये जो लोइयाँ ली है ना ये बिल्कुल कंचे के जैसा, आपने कंचे देखे होंगे ना बचपन में जो कंचे होते हैं, वही साइज इनका लिया है गोलियों का, तो वही साइज हमने लेना है, मोटा साइज नहीं लेना है, नहीं तो हमारी ये पानी पूरी अच्छी नहीं बनेंगी। और हमने ज़्यादा पतला भी इसको नहीं बेलेंगे, ज़्यादा पतला करेंगे तो ये फूलेंगी नहीं और ज़्यादा मोटा कर दिया तो हमारी पूड़ी की तरह हो जाएंगी। तो हमने इनको इस तरह से जैसे हम मार्केट में खाते हैं ना, अपना सब अंदाज़ा देख लीजिए और उसी तरह से बनाइए। ये लीजिए, ऐसे मैं आपको बता दूँ, अगर ऐसे बताऊँगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं बाकी बना लेती हूँ। तो हमारी सारी पानी पूरी बन के तैयार हो चुकी है और हम इनको ढक देंगे। और इधर तेल गर्म करने के लिए हमने रख दिया है, ये हमारी ढकी हुई रखी हुई है। अब इनको हम, तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हमने निकालनी है पानी पूरी। तो हम कैसे निकालेंगे, जो हमने पहले रखी थी ना तो वहीं से हम कपड़े को हटाएंगे, ये इस तरह से, और हटाते हुए हाथ के ऊपर इसको रखेंगे ऐसे 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 ऐसे। तो हमने अपने हाथ के ऊपर ये चार से पांच पानी पूरी रख ली है, बाकी को हम ढक देंगे और अब हम तलने के लिए तैयारी करते हैं। तो हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छे से तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे और इसको ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे तो ये पानी पूरी हमारी फूलती चली जाएंगी। और हमने ये चिपकानी नहीं है, एक एक हाथ में से निकालते जाएंगे। और ये जो जो हमारी पुरानी वाली है, हमने तेल एकदम से गर्म कर लिया था और अब हमने स्लो कर लिया है, इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे डालते हुए पानी ऐसे और कलची से हिलाते हुए तेल को इसके ऊपर डालेंगे जिससे ये हमारी पानी पूरी फूल जाए। तो इस तरह से हमने पानी पूरी तैयार करनी है। तो हमारी ये सीख चुकी हैं, इनको निकाल के दूसरी डालेंगे, ये दूसरी भी मैंने डाली थी तो हमारी ये भी सीख चुकी हैं। तो हमने ज़्यादा नहीं डालनी, इसमें चार से पाँच डालेंगे। और जो हमारी नहीं फूल रही हैं वो थोड़ा पतली बन गई थी इस वजह से नहीं फूल रही हैं, तो इसका भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी हम पापड़ी चाट बना लेंगे। और इनको निकाल देते हैं,
देखिए यहाँ पर हमारी कुछ पूड़ियाँ फूल भी रही हैं और कुछ नई भी फूल रही हैं, तो आप टेंशन ना लें, जो नई फूल रही थोड़ी वो हमारे से पतली बेली गई जा चुकी हैं, तो उनके हम बना लेंगे दही पापड़ी, क्योंकि बच्चों को दही पापड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो हमारे यहाँ पर एक साथ दो काम हो जाएंगे, यानी कि गोलगप्पे भी खाने को मिलेंगे और दही पापड़ी भी। तो इस तरह से हम सेक लेंगे सारे। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये जो पानी पूरी हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं, और इसमें हमारी कुछ पानी पूरी ऐसी भी हैं जो नहीं फूली हैं। ये देखिए, ये थोड़ी पतली रह गई थी तो नहीं फूली, जो हमारी अच्छी बेली गई हैं वो अच्छे से पानी पूरी हमारी देखिए बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मेरी कुछ बिना पूरी फूली नहीं है, कुछ वैसी बिना फूली रह गई हैं, तो इनकी हम दही पापड़ी बना लेते हैं। और हम बनाते हैं अब इसका पानी। तो यहाँ पर हमने पानी बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोट लिया है, इसमें हम डालेंगे पानी। तो हमने फ्रिज का पानी डालना है इसमें एक बोतल में से, जो पानी पूरी का जो पानी होता है ना वो ठंडा ठंडा होता है, तो हमने यहाँ पर पानी ले लेंगे, ठंडा पानी लिया है। और इसमें हम डालेंगे आइस, तो मैं यहाँ पर आइस के क्यूब्स डाल देती हूँ इसमें ठंडा करने के लिए। तो यहाँ मीठे पानी के लिए भी मैंने तैयारी कर ली है, अगर आप चाहें तो सिर्फ पानी पूरी के अंदर मीठा पानी डाल के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पानी ले लिया, आइस ले ली, अब इसमें हम डालेंगे जो ये हमने हरी चटनी बनाई थी ना, इसे डालेंगे इसमें और इसे मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ धनिया और हरी मिर्ची ली थी, बाकी कुछ नहीं लिया था इसमें। तो हम अगर आपके पास इमली है तो आप इमली डाल दें इसमें। और हमने इसमें चटनी डालने के बाद डालेंगे नमक, तो नमक यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, आप चाहें तो कम डाल दें। काला नमक मेरे पास नहीं था, अगर आपके पास काला नमक है तो काला नमक इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप काला नमक डालें, क्योंकि ये जो हमारा जो पानी पूरी का पानी होता है ना, ये हाजमे वाला भी होता है। तो इसमें हम पानी डालेंगे और डालेंगे जीरा। तो यहाँ पर हमने जीरा पाउडर भी डाल दिया है, मिर्ची हमने पहले से हरी मिर्च डाल रखी है इसमें। अगर आपको अगर इसका लगे कि आपको तीखा कम लग रहा है तो आप लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिया साटरी, टाटरी भी बोलते हैं इसे, टाटरी वगैरह, तो नींबू का सत भी बोलते हैं। अगर आपके पास इमली है तो आप इमली डाल लें, और नहीं तो ये नींबू का सत डाल दें खट्टा करने के लिए पानी को। तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा कम डालूँगी, और हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और लास्ट में डाल देंगे हम इसमें बूंदी, ये होममेड बूंदी है, घर पे बनाई हुई बूंदी, तो ये लास्ट में हम इसमें डाल देंगे। और अच्छे से हम इसको मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हींग, तो हींग भी ज़रूरी है इस पानी में डालने के लिए, तो थोड़ा सा हींग ले लेंगे हम, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और यहाँ पर थोड़ा मैंने अभी टेस्ट करके देखा, थोड़ा सा खट्टापन इसमें कम है, तो थोड़ा खट्टा और डालेंगे। तो हमारा पानी बनकर तैयार है, मैं थोड़ा सा चख के देखती हूँ इसमें नमक और खटास सही है कि नहीं। वाह, खट्टा भी एकदम से मज़ेदार का बनाए और तीखा भी अच्छे से है, लाल मिर्च डालने जरूरत नहीं, बिल्कुल अच्छा तीखा हो गया हमारा। थोड़ा काले नमक की थोड़ा सा वो है, थोड़ा काला नमक डाल दो तो और भी अच्छा बनेगा। अब हम बनाएंगे मीठा पानी। मीठे पानी के लिए हमने मीठी इमली ली है, तो यहाँ पर हम इमली डाल देंगे इसमें 2 चम्मच करीब, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो जैसे पानी पूरी है हमारी, ये पानी पूरी है हमारी, तो इसी में हम फोड़ कर, तो ऐसा कर लेंगे कि पहले तो हमने डाल दिया इसमें मीठा पानी, ठीक है, फिर इसमें हमने डाल दी पानी, पानी पूरी का पानी डाल दिया बीच में। ये लीजिए, तो हमारा यहाँ पानी पूरी का पानी भर गया, तो हमारी ये भी मीठी पूरी बन के तैयार हो जाती है। तो आप देखिए, ये भी हमारी मीठी पानी पूरी बन के तैयार हो जाती है। तो हम इस तरह से ही बना सकते हैं, और मीठा पानी इस तरह से बना सकते हैं। एकदम से क्रिस्पी और टेस्टी। तो मीठे पानी में भी हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हल्का सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जीरा पाउडर हल्का सा, बूंदी ये भी डाल दें आप। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा मीठा पानी तैयार है, खट्टा पानी भी तैयार है। अब हम बनाएंगे पानी पूरी।
तो देखिए यहाँ पर मैंने ये फूले हुए अलग से निकाल लिए हैं, मैंने थोड़े ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए, बाकी आटा उठा के रख दिया था। और यहाँ पर हमारे बिना फूले हुए हैं तो हम इनकी अलग बनाएंगे और ये हमारी पानी पूरी तैयार हो जाएंगी। तो मैं आपको बताती हूँ सिंपल तरीका, बिल्कुल जैसा मार्केट में मिलता है। मैंने यहाँ पर अभी छोले और आलू नहीं उबाले हैं। अगर आपने छोले आलू का आनंद लेना है तो साथ में थोड़े से छोले और आलू उबाल लें और उसके बाद आप इसको तैयार करें। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिया, सिर्फ दो चार बूंदी के दाने डालूंगी इसमें और डालूंगी मीठी चटनी। और अगर आपको खट्टा खाना तो सीधा खट्टी चटनी डाल दें और इसमें मैं डालूंगी खट्टी चटनी, ये खट्टा पानी लीजिए। हमारी पानी पूरी है जो तैयार हो चुकी है एकदम से, है ना, बिल्कुल मार्केट वाली पानी पूरी। तो मैं आपको पानी पूरी फोड़ के भी दिखा दूँ क्योंकि मेरी यहाँ पर ये पानी पूरियाँ बड़ी ही क्रिस्पी बनी है। देखिए ये पानी पूरी लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना, एकदम से करारी और क्रिस्पी हमारी पानी पूरी तैयार हुई है। तो हमारी यहाँ पर पानी पूरी हम इसी तरह से इसका टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको मार्केट वाली चाहिए तो थोड़ा सा इसमें आलू उबाल के भी डाल दें, आलू उबाल के कट के और थोड़ा सा इसमें डाल दें और फिर उसके बाद खाइए तो वही मज़ा आएगा, बिल्कुल मार्केट वाला। तो मैं यहाँ पर आपको पानी पूरी तो बता दी है, अब मैं पापड़ी चाट भी आपको बताऊँगी। तो हमने सारी पापड़ी एक प्लेट में डाल दी है और ऊपर से हम डालते हैं दही। तो दही हम एकदम से फैटा हुआ दही लेंगे। बनाने का तरीका वही है जैसे हम भल्ले पापड़ी चाट बनाते हैं उसी तरह से, और डालेंगे ऊपर से नमक। नमक हम बाद में डाल लेते हैं, पहले हम डाल लेते हैं चटनियाँ। तो चटनी उसके बाद हम डालेंगे ये मीठी चटनी। तो मीठी चटनी भी हम यहाँ पर डाल लेंगे, ये लीजिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा, जैसा आपको अच्छा लगे। मुझे तो यहाँ पर मीठी चटनी बहुत ही ज़्यादा, दही वाले के अंदर जो चटनी होती है ना, वो मीठी चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब हम डाल लेंगे ये जो हमने चटनी बनाई थी ना, हरी वाली चटनी जो हमने पानी पूरी के लिए बनाई थी, वही बची हुई है तो मैं इसी को डालूंगी इसमें। तो लीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है इस चटनी का, तीखा खट्टा मीठा। तो यहाँ पर हमारी ये जो चाट है वो भी तैयार होने वाली है। तो इसमें मैं ऊपर से डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हमारी जो हरी चटनी में है ना, इसमें थोड़ा लाल मिर्च डली हुई है, बिल्कुल थोड़ी सी डाली है मैंने लाल मिर्ची। अब हम डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे, ऊपर से डाल लेंगे हमारी ये जो बची हुई बूंदियाँ थी ना, ये जो, ये भी हम इसमें ऊपर से गार्निश कर लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला मेरे पास है तो मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें डाल देती हूँ, ये लीजिए। और नहीं तो आप इसमें ऊपर से जीरा पाउडर भी डाल सकती हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो बताइए, यहाँ पर हमारी हुई ना कहावत है ना कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो बनानी थी पानी पूरी तो पानी पूरी भी बन गई, साथ में हमारी दही पापड़ी भी तैयार हो गई है। तो हम एक साथ हमारी दोनों काम तैयार हो चुके हैं। तो बताइए कैसी लग रही है हमारी दही पापड़ी, ये देखिए, मैं आपको उठा के भी दिखाती हूँ, ये देखिए, है ना एकदम से लजीज। तो यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ हमने बना के दिखा दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे यहाँ भल्ले पापड़ी भी तैयार है, पानी पूरी भी है, इसको पुचका पुचकी भी बोलते हैं राजस्थान में, और कहीं इसका नाम गोलगप्पे बोलते हैं, कहीं इसको पुचका पुचकी बोलते हैं, कहीं इसको पानी पूरी बोलते हैं, इसके कई नाम हैं और भी कई जगह पे अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।